मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार से सबक लेकर अब कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। इस कड़ी में कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया। ऐसे में जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया तो वहीं उनके साथ उमंग सिंघार को भी जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि जीतू पटवारी का फोकस अब दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने का है। इसके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह भी तय किया कि अब वे मध्य प्रदेश का दौरा करते समय कार्यकर्ताओं के घर में रुकेंगे और भोजन करेंगे। इसके अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 35 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रिजर्व है। कांग्रेस की नजर अनुसूचित जाति वर्ग के वोट बैंक पर है। आमतौर पर दलित और आदिवासी को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ये वोट बैंक छिटक गया। अब कांग्रेस इस वोट बैंक को फिर से साधने की कोशिश में है। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती को भी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी ने सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।